ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे का जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी अब एलजी हाउस पर उंगली उठा रही है। बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली एलजी हाउस पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है और कहा है कि 15 करोड़ खर्च करके एलजी हाउस का रिनोवेशन किया गया है, आप ये कह रही है, जबकि एलजी ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। एलजी विनय सक्सेना ने साफ साफ कहा है कि राजनिवास तो सबके लिए खुला है, कोई भी अंदर आके देख ले। ये बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन शीशमहल का सबसे बड़ा असर दरअसल हुआ है दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन मामले में। एलजी ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है, जांच के आदेश दे दिए और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी एलजी पर ही हमलावर है। उपराज्यपाल हमारे साथ हैं। सर, इस समय देश की राजधानी में, पूरे देश में बल्कि शीश महल का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, आप उस शीश महल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जांच के आदेश भी। मैं उस शीश महल की स्टोरी के ऊपर तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनिवास खुला हुआ है पब्लिक के लिए। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर देखना चाहता है कि वहां क्या हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, ओपन है। सर, आरोप लगाए जाते हैं कि राजनिवास पर भी 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन में खर्च कर दिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो राजनिवास मीडिया के लिए, आम लोगों के लिए ओपन है, बिल्कुल ओपन। आज भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वहाँ मीडिया के लोग थे, सबने देखा है कि राजनिवास क्या है। अच्छा, शीश महल की जांच के लिए जो आपने 15 दिन दिए, तो माना जाए, अच्छा आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि फाइल को जो है सिक्योर किया जाए, तो क्या ऐसा भी ही लग रहा है कि फाइलें इधर से उधर हो सकती हैं? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जो मुझे आदेश करना था मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए। एलजी हमारे साथ थे, जो कह रहे थे कि राजनिवास को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनिवास आम लोगों के लिए खुला हुआ है, मीडिया के लिए खुला हुआ है, वो देख सकते हैं। 15 करोड़ का जो आकलन दिया जा रहा है कि उनके रेनोवेशन में खर्च हुआ, वो नहीं हुआ है, इस बात को लेकर एलजी ने साफ कर दिया है कि राजनिवास में कोई भी आकर देख सकता है। वीडियो प्रवेश के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, द भारत।